Hello children, welcome back. Today is our second lecture on the first chapter of biotechnology, that is principles and processes of biotechnology. हमारा कल का लेक्चर बहुत अच्छा रहा, जहां पर आपको बायोटेक्नोलॉजी का मैंने पूरा बैकग्राउंड दिया. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, हाउ इट केम इनटू बीइंग, व्हाट आर द कोर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पहला बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट क्या था, एंड ये सारी बैकग्राउंड एंड एग्जैक्टली व्हाट बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप फॉर. जब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली तो हमें ये पता लगा कि बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली तीन चीजें चाहिए. यू नीड टू नो हाउ टू कट द जीन्स, यू नीड अ वेक्टर जिसमें आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल सकें एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर सकें. सो दैट मींस यू रिक्वायर थ्री मेन टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी. वो तीन टूल्स क्या है, राइट? एंड उन तीनों टूल्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको आज हम पढ़ेंगे. Right? So let us start. As I told you, recombinant DNA technology or genetic engineering is that field of biotechnology that specializes in developing new combination of genetic material called as recombinant DNA or rDNA. आप एक सोर्स से डीएनए लेते हैं, एक और सोर्स से लेते हैं, दोनों को कंबाइन करके एक नया डीएनए का कॉम्पोजिशन बनाते हैं, जिसको हम आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, शॉर्ट में आर डीएनए भी कहते हैं. ये हम आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करते हैं लैब में, उसके बाद उसको हम एक होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोपोगेशन एंड मल्टीप्लीकेशन हो सके. दैट मीन्स आई एम टेकिंग जीन्स फॉर टू डिफरेंट सोर्सेज, उन दोनों को हम मिला रहे हैं, मिलाने के बाद उसको होस्ट में डाल रहे हैं, सो दैट माई जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज शोन इन ग्रे कलर ओवर हियर, इट कैन बी यू नो गॉट इन मल्टी यू नो इट कैन बी प्रोक्योर्ड इन ह्यूज नंबर्स, राइट? अगर हमें ऐसा करना है तो इसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है. द थ्री मेन टूल्स इज, फर्स्ट यू रिक्वायर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. You know that restriction enzymes are also called as molecular scissors. यह एक scissor का फोटो बना हुआ है और मैं दिखा रही हूं कैसे DNA को काटा जा रहा है. But this is not the scissor which you use at home. Rather, it is actually a enzyme which will actually cut the DNA. So you need a molecular enzyme, scissor, जिसको हम restriction enzyme बोलते हैं. ये restriction enzyme हमारे DNA को काटने में मदद करेगा. राइट, नेक्स्ट यू रिक्वायर अ क्लोनिंग वेक्टर. वेक्टर मतलब जिसमें आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एंड थर्ड, अभी तक मैं कहती थी आपको एक होस्ट की जरूरत है, जिस होस्ट में आप अपने आर डीएनए को डालकर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के मल्टीपल कॉपीज बना सके. बट यहां पर देयर इज अ डिफरेंस. मैंने ये नहीं कहा आई नीड अ होस्ट, मैंने कहा कंपीटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज ये आपके डीएनए का टुकड़ा है, ये वेक्टर है, आपने अपने डीएनए को इस वेक्टर में डाल दिया. नाउ टू मल्टीप्लाई यू वॉन्ट टू पुट इट इन टू अ होस्ट, एंड नॉर्मली आपको पता है ये होस्ट वो होता है जिसकी ये ओरिजिनल प्लाज्मिड उसकी है नहीं. आप प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया से निकालते हैं एंड दूसरे बैक्टीरिया में उसको डालते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन. सवाल उठता है, ये होस्ट इतनी आसानी से कोई फॉरेन डीएनए को अपने बॉडी के अंदर थोड़े ना आने देगा. ऑब्वियसली दिस इज नॉट माय डीएनए, और मेरा भी डीएनए होता तो हम बाहर से किसी भी डीएनए को ले लें, ये आसान नहीं होता. आपको याद होगा आपने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू टेक अ फॉरेन डीएनए एंड गेट मॉडिफाइड, वो चूहा वाला एक्सपेरिमेंट में जिसमें आर टाइप एंड एस टाइप के बीच में था, इफ यू रिमेंबर, राइट, कि उसका डीएनए निकला एंड उसने एस टाइप के बैक्टीरिया को आर टाइप में कन्वर्ट किया. आर टाइप का डीएनए जब एस टाइप के बैक्टीरिया में एंटर किया, ठीक, तो हमने उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था, हमने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक, जब इसका डीएनए आर टाइप का बैक्टीरिया का डीएनए जब आपके एस टाइप के बैक्टीरिया में गया था एंड इट कन्वर्टेड इट इनटू आर टाइप, दिस प्रोसेस वी हैव कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. दैट मींस यू नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल टेक्स अप अ फॉरेन डीएनए एंड मॉडिफाइज इट्स ओन जीनोम. इट टेक्स अ फॉरेन डीएनए, कौन सा डीएनए, फॉरेन डीएनए, एंड मॉडिफाइज इट्स ओन जीनोम, जिसकी वजह से इसका खुद का जीनोम मॉडिफाइड हो जाता है. ठीक, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन.
जो आपने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, आई मस्ट टेल यू वंस अगेन, यहाँ मैंने वो छोटा बनाया, आपको याद होगा आपने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि ये आपका आर टाइप का बैक्टीरिया था, जब इसमें एस टाइप का बैक्टीरिया का डीएनए एंटर कर गया था, सो इट गॉट ट्रांसफॉर्म इंटू एस टाइप. हमने कहा था दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ अ फॉरेन डीएनए बाय अ ऑर्गेनिज्म सच दैट इट इज जीनोम इज मॉडिफाइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. हम ये कह रहे हैं आपको तीन टूल्स चाहिए. पहला, यू नीड ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट सकें. Then you require a vector जिसमें आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक, सो दैट आपका आर डी एन ए बन जाए. अब इस आर डी एन ए को आपको एक होस्ट के अंदर डालना है, ऐसा होस्ट जिसका ये ओरिजिनल डीएनए नहीं था, ताकि उसमें अपने डीएनए को मल्टीप्लाई कर ले. ये होस्ट क्यों लेगा किसी फॉरेन डीएनए को? ऑफ कोर्स वो इतनी आसानी से नहीं लेगा. सो इसे हमें कंपीटेंट बनाना पड़ता है. कंपीटेंट बनाने का मतलब ये है कि हमें इसे केपेबल बनाना पड़ता है, सो दैट, ठीक है, इट विल अलाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फॉरेन डीएनए इनटू इटसेल्फ, ठीक. सो आई जस्ट डोंट नीड अ होस्ट, मुझे केवल एक होस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे एक कंपीटेंट होस्ट की जरूरत है, ताकि इसके अंदर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए. सो दीज आर द थ्री मेजर टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी. आपका एकदम नया सब्जेक्ट है, आई एम रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, आई डोंट माइंड. हमें बायोटेक्नोलॉजी में, मैं एक बार सब मिटा दूं, साफ कर दूं, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट से इंसुलिन के जीन को एक वेक्टर डीएनए के अंदर से ई कोलाई के प्लाज्मिड में डालना है, एंड जब वो आपका आर डीएनए तैयार हो जाए, उस आर डीएनए को एक होस्ट में डालना है, ताकि मेरा डीएनए उसमें मल्टीप्लाई हो सके. तो तीन टूल्स की जरूरत है. पहला, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट के निकालने में मदद करेगा, सो दैट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर को भी काटने में मदद करेगा, क्योंकि अगर आप वेक्टर को नहीं काटेंगे और खोलेंगे नहीं, तो आप अपने डीएनए को कहां डालेंगे. सो फॉर दैट यू रिक्वायर, फर्स्ट व्हाट यू रिक्वायर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो दिस इज फर्स्ट व्हाट यू रिक्वायर. सेकेंड, व्हाट डू यू रिक्वायर अ वेक्टर जिसमें आप अपने डीएनए को इंसर्ट करेंगे. थर्ड, व्हाट डू यू रिक्वायर, थर्ड यू रिक्वायर अ होस्ट, ठीक है, एंड इस होस्ट में आप इसको डालेंगे. ये होस्ट आसानी से लेगा नहीं, सो यू नीड अ कंपीटेंट होस्ट जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन इस आर डीएनए का हो जाए, ताकि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर चला जाए, ताकि यू नो व्हाट विल हैपन, योर डीएनए कैन बी मल्टीप्लाइड. सो आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया है व्हाट आर द थ्री मेजर टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी. इसमें से जो पहला टूल है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, this we will be covering in today's lecture. Pure acche se everything you need to know about restriction enzyme, that will be covered in today's lecture, right? So ab aa jaate hain, what are restriction enzymes? यहाँ बहुत चीजें लिखी हुई हैं, मैं सबको आपको बहुत elaborately समझाऊंगी. After that, you will be very comfortable with restriction enzyme. Restriction enzyme, first इसमें लिखा है, it is a nuclease enzyme. Why I'm saying nuclease enzyme? You know that those enzymes which cut nucleic acid are called as nuclease. Jo protein ko break down karta hai, usko hum kehte hain proteinase, right? TEI, proteinase. Jo lipid ko break down karta hai, usko hum log kehte hain, lipase. ठीक, सो लिपिड ब्रेक डाउन करने वाला प्रोटीन प्रोटीनेज, वैसे डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होगा? न्यूक्लियस. आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है, ब्रेक डाउन करता है, सो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ न्यूक्लियस एंजाइम. पहला वर्ड समझ में आ गया, विच रिकॉग्नाइजेस अ पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक डीएनए. अब आप बोलोगे मैम ये पैलिंड्रोमिक का क्या कॉन्सेप्ट है, बताते पहले सुन लो, बाद में उसका हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे. पैलिंड्रोम्स are those words which are read same either ways. For example, aapke NCERT mein ek palindromic word diya hua hai, that is Malayalam, M-A-L-A, Malayalam, right? Ab ye ek palindromic word hai, kyun? Agar aap isko yahan se study karte hain, M-A-L-A-Y-A-L-A-M, it's Malayalam. Aur agar aap isko reverse padhte hain, so if you study like this, it is Malayalam. अगर आप ऐसे read करते हैं M A L A Y A L A M, again it reads Malayalam.
सो दोज वर्ड्स विच आर रेड सेम इधर वेज, यहां से पढ़ोगे तो वही है, यहां से पढ़ोगे तो वही है, उसको कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक, अब आ जाते हैं इस पैलिंड्रोम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या लेन देन। याद रखना बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, पर हम एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या है आप धीरे धीरे सब जान जाएंगे। हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड उसमें भी हम CLEASE एंड उसमें भी हम वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज करते हैं जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होता है, जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होता है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, तो मैं एक बार आपको पैलिंड्रोमिक, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं बेटा, मैंने आपको कहा था कि जो रिस्ट्रिक्शन, ये अगर आपका एक डीएनए है और ये सपोज एक आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर इस डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, A, T, C, C, G, C, C, G, G, ऐसा कुछ भी है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को स्कैन करेगा और एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही पहचानता है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है और आपको मैंने बताया था इस सीक्वेंस में वो पर्टिकुलरली दो बेसिस के बीच में ही काटता है और जब भी काटेगा तो उन्हीं के बीच में काटेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो मैं अभी ये बता रही हूं देर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसका क्लासिफिकेशन हम आपको आगे पढ़ाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे काम का वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पहला उसका नाम वो एंडोन्यूक्लियस ग्रुप को बिलोंग करता है एंड सेकेंडली हम उन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होता है। अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज पैलिंड्रोमिक, दैट विच इज रेड द सेम इधर वेज। अब यहां पर आप देखिए मैंने एक एग्जाम्पल से आपको दिखाया है, ठीक, दिस इज अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम है ECOR1। ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मैं नाम बता रही हूं, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये है। आपको पता है डीएनए डबल हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या, आप देखो एक साइड में 5' 3' में क्या है, इट इज GAATTC, तो दूसरे में भी यहां पर क्या है, इट इज GAATTC, यू कैन सी दैट अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को देखेंगे, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनता है दैट इज पैलिंड्रोमिक। यहां पर जो सीक्वेंस है, यहां पर भी उल्टा साइड में 5' 3' में जो सीक्वेंस है, दूसरे के भी 5' 3' में सेम सीक्वेंस है, इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, मैंने आपको ये बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स न्यूक्लियस एंजाइम्स है बिकॉज दे कट न्यूक्लिक एसिड, दे आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, एंड हम वैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होता है, ठीक, और यहां पर वो उसको ब्रेक डाउन करता है। अब इसका क्या एडवांटेज हम अभी बताएंगे आपको, सुनिए, इट वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हमने नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों दिया था, बिकॉज इट रिस्ट्रिक्टेड द प्रोपगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इन द बैक्टीरिया। देखो यहां पर फॉरेन डीएनए यानी कि जो वायरस का डीएनए है, जब ये बैक्टीरिया में आया तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एक मॉलिक्यूलर सीजर का काम कर रहा है, यू कैन सी हियर, जो एक मॉलिक्यूलर सीजर का काम कर रहा है, ये इसके डीएनए के टुकड़े कर देता है, दस ये वायरस के ग्रोथ को अपने सेल में रिस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, राइट। इस पेज में तीन पॉइंट्स हैं, इन तीनों को मैं भी थोड़ा और इलैबोरेटली बताऊंगी। इसमें तीन पॉइंट है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ न्यूक्लियस एंजाइम, इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज पैलिंड्रोमिक एंड वी कॉल इट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द प्रोपगेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरल जीनोम और फॉरेन जीनोम इन द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। इस पैलिंड्रोम पर मुझे थोड़ी बातें आपसे और करनी है, सो आई नीड अ बोर्ड एंड लेट मी टेल यू मोर अबाउट इट। देखिए व्हाट इज दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का दो एडवांटेज है, पहले ये देखिए, सपोज दिस इज माय डीएनए का टुकड़ा, राइट, एंड दिस इज माय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है ECOR1 जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC। Now, if this DNA is
5 prime, 3 prime. So obviously this is going to be 5 prime, 3 prime from here. Or its complementary stand mein, now this is going to be, they again if you come here, this is going to be GAATTC. That means its recognition sequence kaisa hai? Palindromic hai. Now palindromic recognition sequence hone ke do advantages hai. Pehla, ये आपको पता आपके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, राइट? तो अब जब भी ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर1, जिसको मैं ब्लू कलर से बना रही हूं, इट विल गो अक्रॉस द एंटायर डीएनए, फिर ये स्कैन करेगा, अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे स्टॉप करेगा, और जब भी काटता है तो ये जी एंड ए के बीच में ही काटता है. इससे एक डीएनए तो कट गया, एंड ये डीएनए आपका कैसा दिखेगा? दिस विल बिकम लाइक दिस, दिस विल बी जी, राइट? एंड इसका बचा हुआ सीक्वेंस कैसा होगा बेटा? मैं सबको रेड से ही लिख देती हूं टू सेव टाइम. इट विल बी ए ए टी टी सी. डीएनए का एक स्ट्रैंड तो कट गया, लेकिन दूसरा तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? जी ए ए टी टी सी. लेकिन नीचे वाले का अगर पैलिंड्रोमिक ना हो, अगर पैलिंड्रोमिक ना हो, राइट? पैलिंड्रोमिक नहीं होने का भी पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ. से कोई रैंडम आप सोचो पैलिंड्रोम रेयर बनते बेटा, कुछ भी सोचो. सपोज आपने लिखा है ए सी जी सी ए, राइट? इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल में यहां पर क्या होगा? यहां होगा टी जी सी जी टी. क्या दोनों कहीं से भी पैलिंड्रोमिक है? नहीं, राइट? कहीं से पैलिंड्रोमिक नहीं है. पैलिंड्रोम होना एक बहुत बड़ा इत्तफाक है कि आपका जो आपने एक न्यू, यू ट्राई इट, यू ओपन अ बुक एंड आप रैंडमली छोटे छोटे 5 अल्फाबेट के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक में लिखो और फिर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री लिखो. रेयरली जल्दी से बनेगा ही नहीं पैलिंड्रोमिक. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पैलिंड्रोमिक नहीं बनता. अगर पैलिंड्रोमिक नहीं होगा तो क्या होगा? सपोज मेरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा है जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस ए सी जी सी ए है, जिसमें ये ए एंड सी के बीच में काटता है, तो एक डीएनए तो कोको तो काट देगा, पर दूसरा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो नहीं कटेगा. सो ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल बी कट. तो आप जब होस्ट का डीएनए इसमें इंसर्ट करेंगे तो होस्ट का डीएनए भी तो डबल स्ट्रैंडेड है बेटा, ठीक? वहां उसका भी तो वेक्टर का जो डबल स्ट्रैंडेड है ना, तो आपका सपोज ये इंसुलिन का जीन है, तो जीन में तो आपको दोनों न्यूक्लियोटाइड, मतलब दोनों डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए ना, तो आपको तो एक ही कटा, एक कटा ही नहीं, तो आप दूसरे को इंसर्ट कैसे करेंगे? आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग मी ऑर नॉट. डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है. आपको जब भी डीएनए को काट कर इंसर्ट करना है तो आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटेंगे ना, और जो आपका वेक्टर डीएनए वो भी तो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन यहां दोनों में से एक ही कट रहा है, एक कट ही नहीं रहा, एक डीएनए कंटिन्यूस है, एक में कटा, तो आप एक तो नहीं डाल सकते ना, आपको तो दोनों डालना है. तो ऑब्वियसली आपके दोनों डीएनए कटने चाहिए. तो दोनों कटने का एडवांटेज क्या है? जस्ट सी हियर, यहां पर ये पैलिंड्रोमिक होने की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब उल्टा स्कैन करेगा तो इसको फिर से क्या दिखेगा? जी ए ए टी टी सी. तो इस डीएनए को भी यहां से काट देगा. तो जब ये इस डीएनए को काटेगा तो दोनों डीएनए का स्ट्रैंड कट गया. अब ये कैसे स्ट्रैंड बनेंगे इसके साथ, ठीक है? सी के साथ यहां पर क्या आएगा? लुक एट दिस, ओनली जी आएगा, ठीक है? क्योंकि इसने यहां काटा है, इसमें इधर यहां काटा है, ठीक? तो इसके साथ ये आएगा. लेट मी शो यू लाइक दिस. With what color should I show you? I'll show you with blue. इसके साथ, ठीक, ये कट के अलग होगा और इसके साथ ये कट के अलग होगा. ये आपका अलग होगा. Such that it will become like this. This will be G. यहां होगा C. Then T, T, A. And इसके साथ होगा G. And C, T, T, A, A. हाँ, यहां पर भी A आएगा. इस तरह से आपके डीएनए के दोनों टुकड़े आपके टूट जाएंगे, एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टूट जाएंगे. एंड दिस इज हाउ इट विल एक्चुअली लुक, ठीक? दिस इज योर वन टुकड़ा, राइट? एंड दिस इज योर अनदर टुकड़ा. आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया, ठीक? दोनों को काटेगा एक बार. अगर आप यू नो आई डोंट हैव अ थर्ड कलर जिससे मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको रेड से दिखाऊं तो एक यहां काटेगा, राइट? और एक आपका यहां काटेगा. सो एक आपका ये स्ट्रैंड अलग होगा एंड ये स्ट्रैंड आपका अलग होगा. सच दैट वन विल बी जी सी टी टी ए एंड द अदर विल बी जी सी टी टी ए, राइट? तो दोनों डीएनए के टुकड़े कटेंगे. तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करने का पहला एडवांटेज क्या है? बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कट, ठीक? सेकेंड एडवांटेज क्या है?
These ends are sticky ends. अब आपको एक और नई बात बता दूं, आप normally ये आपका सेम हमारा ह्यूमन में इंसुलिन का जीन है, ठीक है, दिस इज इंसुलिन का जीन. सपोज इस इंसुलिन के जीन को काटने के लिए हमने एंजाइम लिया है इको आर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है और ये ऐसे काटेगा. अगर यहां जी ए ए टी टी सी है तो यहां पर होगा जी ए ए टी टी सी और हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको यहां काटेगा और इसको यहां काटेगा सच दैट हमारे दो डीएनए के सीक्वेंस बनेंगे जैसा मैंने दिखाया. एक ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, राइट. अब याद रखना, अब ये इंसुलिन के जीन को आपको किसमें ट्रांसफर करना है, वेक्टर में करना है. तो हम एक ऐसा वेक्टर लेते हैं, सपोज ये मेरा वेक्टर है, हम एक ऐसा वेक्टर लेते हैं जिसमें सेम सीक्वेंस पाया जाना चाहिए. सेम सीक्वेंस यहां ब्लू से लिख देते हैं, इट शुड ऑल्सो हैव जी ए ए टी टी सी एंड दिस शुड ऑल्सो हैव जी ए ए टी टी सी लाइक दिस. एंड आप दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे तो ये यहां कटेगा, ये यहां कटेगा. ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, ये जब टूटेगा तो ये भी सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा. तो इसका स्टिकी एंड, इसका स्टिकी एंड मतलब इसके यहां अगर आप काटोगे तो ये क्या बनाएगा, दिस एक में ये बनाएगा, ठीक है, एक ये बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, सेम जैसा उसका था ए ए टी टी सी. आप तो यहां काटते हो ना, इसका ये स्टिकी है ए ए टी टी, राइट. ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, टी ए टी टी ए ए के साथ. और ये वाला जो स्ट्रैंड है टी टी ए ए वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, सी. सो इससे क्या होगा, इसको इसमें अटैच करने में आसानी होगी. आई शो यू विद एन एग्जांपल, अगर नहीं समझ में आया तो. देखो सबसे पहला बात है कि सपोज नाउ लुक एट दिस, दिस इज माय वेक्टर. समझाने के लिए मैं आपको बताते हैं, दिस इज माय वेक्टर. अब इस वेक्टर में आपको ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है. सो लुक एट दिस, दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट से इंसुलिन के जीन को करना. आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काट लिया, आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको भी काट लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड. देखिए ये हमारा कट गया, आई एम जस्ट शोइंग इट, ठीक है, और ये आपका है. अब आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि इसमें इसको हम इंसर्ट कर दें, इसको हम ऐसे लगा दें, राइट. ये हमारा, अगर हम ऐसे दिखाएं, सो दिस इज दिस एंड ये हमारा जो टुकड़ा है इसको हमने रखा. सो दिस इज माई वेक्टर एंड दिस इज माई इंसुलिन का जीन. आपको क्या लगता है, ये बगल में रख देने से क्या ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया? नहीं. जस्ट लुक एट दिस, लुक एट हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है. अगर आप इसको ऐसे रख भी दिए तो ये सेपरेट है और ये सेपरेट है. सिर्फ इसको बगल बगल में ऐसे रख देने से, ये चलो कोई नहीं पास आ जाएगा, बगल में रख देने से इट डज नॉट बिहेव लाइक अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए इसको इसके साथ अटैच करना होगा. फॉर दिस आई रिक्वायर एन एंजाइम लाइगेज जो इन दोनों को जोड़े. जब ये जुड़ेगा तब ना रिकॉम्बिनेंट बनेगा. ये आपका एक है और आपने इसके बगल में इसको रख दिया, दिस इज नॉट रिकॉम्बिनेंट, बोथ ऑफ देम आर सेपरेट. जब उठाएंगे तो ये अलग उठेगा, ये अलग उठेगा. आपको तो इसको इसका इंटीग्रल पार्ट बनाना है, एक बनाना है ताकि ये एक जैसा काम करे. तो इसके लिए आप एंजाइम लाइगेज लेंगे. बट लाइगेज काम कैसे करेगा, पहले तो कुछ बॉन्ड बनना चाहिए ना इन दोनों के बीच में. बॉन्ड जब बनेगा तो लाइगेज उस बॉन्ड को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा. तो हमने क्या किया, नाउ लुक एट दिस, मैंने आपको यहां दिखा रही हूं, ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, ठीक है, जिसमें हमको मल्टीप्लाई करना है. और इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, जस्ट लुक एट दिस वेक्टर का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, आई एम शोइंग विद ब्लू कलर. तो यहां पे आपको क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिख रहा है, इट इज जी ए ए, मैं यहां पर दिखा दूं, इट इज जी ए ए, ये इसका सीक्वेंस है टी टी सी. तो नीचे में इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक. अब इसको हम एक काटेंगे, कौन से एंजाइम से, इको आर वन से. जैसे ही इको आर वन से काटेंगे तो एक यहां कट होगा, एक यहां कट होगा, सच दैट अब ये इसमें बदल जाएगा. सी दिस, इट विल बी ट्रांसफर्ड लाइक दिस. ये आपका था, यू जस्ट सी इट, ठीक. एक जी और ए के बीच में यहां काटा और एक यहां पर आपका जी और ए के बीच में काटा. सो दिस बिकम्स लाइक दिस, बोथ दे हैव स्टिकी एंड्स. इसके साथ क्या आया, जी सी देन टी टी ए ए, एंड इसके साथ क्या आया, अगेन जी सी टी टी ए ए, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक. तो हमने क्या किया, ये मेरा इसका डीएनए था, ठीक, इसका ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, हमने इसको काटा, मेरा ये खुल गया. जैसे ये खुल गया तो हुआ क्या, एक में क्या चला गया,
ये वाला चला गया और एक में ये वाला चला गया, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तो हमने जब इसको काटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो ऐसे मेरा वेक्टर खुला, ठीक है। अब आ जाओ, ये आपका इंसुलिन का जीन है, हम दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, तो यहां भी क्या है, जी ए ए टी टी सी सेम, ऑब्वियसली ये जी और इसके बीच में काटेगा, इसमें भी क्या बनेगा, ये आपका सेम बनेगा, सेम स्टिकी एंड्स बनेगा, सेम स्टिकी। अगर ये स्टिकी एंड इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है तो ऑब्वियस ही बात है ये स्टिकी एंड इसके साथ भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है, यू नो दैट दिस इज योर इंसुलिन एंड दिस इज वेक्टर का, तो ऑब्वियसली ये दोनों स्टिकी एंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली यहां पर होगा क्या, टी ए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, देन टी ए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, हम यहाँ लाइगेज एंजाइम डाल देंगे, तो होगा क्या, ये जो हमारा वेक्टर है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका आराम से अटैच कर जाएगा, क्योंकि उसका स्टिकी एंड और हमारा स्टिकी एंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब जब आप इसको बगल में रखेंगे और लाइगेज एंजाइम डालेंगे, सो व्हाट विल हैपन, ये इसके साथ परमानेंटली अटैच कर जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ ऐसे परमानेंटली अटैच कर जाएगा, जब परमानेंटली अटैच कर जाएगा तब आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप आरडीएनए बोलेंगे, जस्ट प्लेसिंग द एंड टू बगल में प्लेस करने से ये आरडीएनए नहीं बनता, उस केस में तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसका इंटीग्रल पार्ट कैसे बनाए, बगल में रखने से मेरा काम नहीं होता है, तो अलग अलग दोनों, ठीक, ये अलग मल्टीप्लाई करेगा और मेरे पार्ट को मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं, राइट, तो इससे तो मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा, मुझे तो पता है मुझे क्या चाहिए, ये इसका एक हिस्सा बने, ये इसका एक हिस्सा बने, दोनों मिलकर एक कंप्लीट डीएनए बने, तब ना इसका ओरी जब अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे डीएनए को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो उसके लिए ये आपस में जुड़ेंगे कैसे, लाइगेज एंजाइम अपने आप कुछ नहीं करता, लाइगेज एंजाइम बॉन्ड्स अगर कहीं बन रहे हैं तो उस बॉन्ड को जुड़ने में मदद करता है, तो यह बॉन्ड कैसे बनेगा, हमने क्या किया, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर पैलेंड ऐसा नहीं लेंगे जिसका सीक्वेंस पैलेंड्रोमिक है, पैलेंड्रोमिक होने की वजह से क्या है, इसका ये स्टिकी एंड और इसका ये स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री है, सिमिलरली वेक्टर को भी सेम से काटेंगे तो इसका भी सेम कटेगा, तो इसका ये स्ट्रैंड किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ये वाला, लेट मी ड्रॉ इट विद ग्रीन, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस एंड दिस पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस, सो दिस विल अटैच हियर, दिस विल अटैच हियर, लाइगेज उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, मेरी बात लास्ट टाइम फिर से सुन लो, इट्स अ फैबुलस, द चैप्टर इज फैबुलस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इससे ज्यादा मजा कहीं नहीं आएगा। मैंने आपको बताया सिंपल सी बात है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी फॉरेन डीएनए को काट देते हैं, उसकी मल्टीप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सो वी कॉल देम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वी कॉल देम न्यूक्लियस, क्योंकि ये वी कॉल देम एज न्यूक्लियस क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हम नॉर्मली वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे काम के हैं बायोटेक्नोलॉजी में जिनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है, पैलिंड्रोमिक होने का दो एडवांटेज है, पहला पैलिंड्रोमिक होने की वजह से जब ये ऐसे स्कैन करेगा और अगर ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है तो इसको काट देगा और जब ये रिवर्स स्कैन करेगा तो इसको काट देगा, जिसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कट जाएंगे, बेटा दोनों कटेंगे तभी ना आप अपना ये कॉम्प्लीमेंट्री बना सकेंगे, तभी ना आप कॉम्प्लीमेंट दोनों को ना काटना पड़ेगा नीचे ऊपर, तो अगर तो सेम यू नो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां से जाएगा तो एक को काटेगा, यहां से जाएगा तो एक को काटेगा, तो काम बन गया। दूसरा, हम नॉर्मली वैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं जिसका कटिंग साइट अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो सेंटर के अवे होने की वजह से देखो यहां काट रहा है तो ये क्या बनाएगा, ये स्टिकी एंड बनाएगा, यहां ये काटेगा तो ये स्टिकी, स्टिकी एंड मींस दोस एंड विच स्टिक आउट, ठीक। अब हम वेक्टर भी वैसा चुनते हैं जो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटे, तो वेक्टर का स्टिकी एंड और हमारा का स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये जाकर इसमें अटैच कर जाता है, जैसा मैंने आपको दिखाया, ठीक, कि अगर ये बैक्टीरिया का है राइट एंड ये आपका सॉरी इंसुलिन का और ये बैक्टीरिया का है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अटैच हो जाता है, इस तरह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यू नो वेक्टर में आराम से अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। सो आई होप आपको पैलिंड्रोमिक क्या है, पैलिंड्रोमिक का सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझ में आ गया। थर्ड चीज जो हम आपको पढ़ा चुके हैं बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, एंड दैट थर्ड थिंग इज आई टोल्ड यू वंस दैट
restriction enzymes are not virus specific, they are nucleotide specific. So a bacteria can make many restriction enzymes. So this is restriction enzyme 1, 2, 3, and each restriction enzyme has its own recognition sequence. Say iska sequence hai ATCG, say iska sequence hai maybe TGGG, and suppose iska sequence hai CGCG. So they have their own recognition sequence, right? And inko farak nahi padta ki wo DNA kiska DNA hai, wo virus ka DNA, koi bhi DNA जिसमें उनको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा, वो स्कैन करके निश्चित दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में उसको काट देंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता वेदर दिस डीएनए हैज कम फ्रॉम वायरस, वेदर दिस डीएनए हैज कम फ्रॉम ह्यूमंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता वेदर दे आर द ओन बैक्टीरियल, खुद बैक्टीरिया के क्यों नहीं हो, उनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब एक टेंशन की बात क्या है, टेंशन की बात यह है कि अगर ये मेरा बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, मेन डीएनए है जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और अगर बैक्टीरिया में ये सीक्वेंस पाया जाता है एटीसीजी, राइट, ऑब्वियसली मैंने पैलिंड्रोमिक नहीं बनाया, इन तीनों मुझे पैलिंड्रोमिक बनाना चाहिए था, मैं समझाने के लिए बोल रही हूं। और अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 बनाता है, तो ये खुद बैक्टीरिया के भी डीएनए को काट देगा, और बैक्टीरिया के डीएनए, ये मेन डीएनए, ये प्लाज्मिड नहीं है, को काट देगा, जिससे बैक्टीरिया खुद मर जाएगा। तो वायरस की चोट से तो बच गया, लेकिन अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से खुद मर जाएगा, राइट। तो ये तो बहुत बेकार का सोच हुआ कि वायरस के डीएनए को काटने के लिए मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया, वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस स्पेसिफिक है। अगर वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस खुद मेरे बॉडी में है, मेरे जीनोम में है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो खुद मुझे भी काट देगा, मेरी भी डीएनए को काट देगा, एंड मुझे डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। तो इतना तो बेवकूफ नहीं है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में इससे बचने का क्या उपाय है, राइट, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू। बट बिफोर दैट, जो मैंने आपको पढ़ाया है, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वंस अगेन। अब आपको मेरी ये सारी बात समझ में आई होगी, एक स्लाइड में मैंने जितनी बातें लिखी है, आई एम श्योर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। पहला, दिस एंजाइम इज अ न्यूक्लियस एंजाइम, व्हाई, बिकॉज़ इट ब्रेक्स डाउन न्यूक्लिक एसिड। सेकंड, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा है, पैलिंड्रोमिक है, पैलिंड्रोमिक मैंने बताया, वैसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस विच आर रेड द सेम ऑन ईदर साइड। मैंने इसका एडवांटेज बताया, इट कट्स बोथ द डीएनए, एंड इट कट्स द डीएनए इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स स्टिकी एंड्स, एंड दिस स्टिकी एंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री विद दैट ऑफ द वेक्टर, इट अलाउज फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए। एंड सिंस ये आपके किसी भी डीएनए के टुकड़े को, फॉरेन डीएनए, वायरस का जरूरी नहीं है, उसको बैक्टीरिया में उसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, सो वी कॉल देम एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट। सो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, तो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या आया कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद बैक्टीरिया के अगर डीएनए को काट देगा तो दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। बैक्टीरिया ने उसके लिए एक उपाय बनाया, उपाय क्या बनाया, इट मेक्स अनदर एंजाइम, जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है तो साथ में एक और एंजाइम बनाता है जिसका नाम है मिथाइलेज, राइट। सो यहां पर एंजाइम का नाम मिथाइलेज ये रहा, यहां मैंने लिखा है इट मेक्स अनदर एंजाइम कॉल्ड एज मिथाइलेज। ये मिथाइलेज करता क्या है, सुनिए, सपोज ये मेरा बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का जीनोम है, एंड से इसमें हमारा सीक्वेंस है ए टी टी ए वॉट एवर, ठीक है, सो आई डोंट नो ए टी ए टी मुझे लिखना चाहिए था, दैट वुड हैव मेड अ पैलिंड्रोम मे बी, से इट वुड हैव बीन ए टी ए टी, तो यहां पर भी होगा ए टी ए टी, ठीक है। तो अगर ये है, और मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा लिया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 जो जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है ए टी ए टी है, तो एक खतरा है मेरे को भी काट सकता है। तो जब भी बैक्टीरिया ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाएगा, सपोज उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, ये साथ में एक और एंजाइम बनाता है उसका नाम है मिथाइलेज, ठीक है। ये मिथाइलेज क्या करता है, या तो इन चारों में या चारों में से किसी एक में वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, जैसे ही मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा तो ये थाइमिन का स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाएगा, राइट। जैसे ही थाइमिन का स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाएगा तो यहां पर भी जो टी है उसमें हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे। जैसे हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया
इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो गया. जैसे ही मॉडिफाई हो गया, नाउ इट विल नॉट बी रेड एज टी बिकॉज अभी थाइमिन रहा ही नहीं. जैसे हमने थाइमिन में यू नो मिथाइल ऐड कर दिया, नाउ इट इज नॉट थाइमिन. तो अभी ये रेड कैसे होगा? AAT, क्योंकि थाइमिन तो खराब हो गया. ठीक, तो ऑब्वियसली ये इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहा. इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? इट इज AT AT. ये AT AT है. हमने उसमें क्या किया, ये हमारा बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया में दे हैव दिस, यहां पर है आपका AT AT, यहां पर भी है AT AT, पर हमने यहां पर थाइमिन में अटैच कर दिया क्या, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया. ठीक, एंड इसमें थाइमिन में हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया. जैसे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, ये मास्क हो गया. मास्क हो गया तो अब ये रीड होगा ATT. ये ए नहीं होगा क्योंकि एडिनिन यहां पर क्या हो गया, सॉरी AT. ठीक है, मैंने दो अलग जगह, यहां एडिनिन में और यहां एडिनिन में, जब भी हम ऐड करेंगे सेम में ऐड करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया. चेंज हो गया तो क्या होगा, बैक्टीरिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. अब ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो अपने वाले को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. इट इज सम सॉर्ट ऑफ मास्किंग. मास्किंग मतलब समझाते हैं, चीज देखो, सपोज ये मेरा चेहरा है और मेरे चेहरे को पहचान कर कोई आदमी मुझसे मिलने आ रहा है और जो मुझे परेशान करेगा, मुझे परेशान कर सकता है, एंड ही रिकॉग्नाइजेस माय फेस. तो मैंने क्या किया, ऊपर से मुखौटा डाल दिया, मास्क लगा दिया. से मैंने यहां पर मास्क डाल दिया, किसी और का, आपका मास्क डाल दिया. तो जब वो आदमी आएगा तो वो मेरे चेहरे को देखकर धोखा खा जाएगा, उसको लगेगा ये कोई और है क्योंकि मैंने ऊपर से एक मास्क लगा दिया है और इस तरह से वो मुझे छोड़कर चला जाएगा. सिमिलरली हम लोग भी यहां पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो ये बैक्टीरिया में वो DNA है, बड़ा बना देते हैं. दिस इज AT AT, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं तीसरी बार बना रही हूं. दिस शुड बी AT AT, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसको पहचानता है. ठीक, हमने क्या किया, यहां थाइमिन में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, यहां के थाइमिन में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, इसकी वजह से ये न्यूक्लियोटाइड मॉडिफाई हो गया. नाउ दिस न्यूक्लियोटाइड हैज लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस, ये एक तरह से मुखौटा लगा दिया, इसकी वजह से ये रिकॉग्निशन, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको पहचान नहीं पाएगा और इस तरह से वो बैक्टीरिया के DNA को नहीं काटेगा. आई होप आपको समझ में आ गया. द एंजाइम, इट मेक्स एन एंजाइम मिथाइलेज, दिस एड्स मिथाइल ग्रुप टू अ पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक रीजन ऑफ DNA. ये अगर मेरा पैलिंड्रोमिक रीजन है, से एक पर्टिकुलर जगह पर मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा. से सपोज इस ए और इस ए में उसने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, जैसे देखो मिथाइलेज उसने ऐड किया. ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे, जब हमने मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं किया था तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको रिकॉग्नाइज किया और काट दिया, पर जैसे हमने यहां मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, नाउ दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, एज अ रिजल्ट दिस कुड नॉट कट दिस पीस ऑफ DNA. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो चलिए, बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो किसी भी, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है. वो कहीं का भी DNA हो वो उसको काट देता है, अपने खुद के DNA को ना काट दे, उसके लिए उसने एक उपाय बनाया है. वो एक एंजाइम बनाता है मिथाइलेज. ये मिथाइलेज मास्किंग इफेक्ट करता है, जो अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को मास्क कर देता है, सो दैट इट्स ओन DNA इज नॉट कट. ठीक है, so now that it is done, चलिए कुछ statistics देखें restriction enzyme से related. पहला है, restriction enzyme को हम restriction endonuclease भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगी. ठीक, इससे पहला, सबसे पहला restriction endonuclease discover हुआ था, उसका नाम है HIND2, जिसको हमने लिया था Haemophilus influenza. very 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 important one mark question, name the first restriction enzyme which was discovered. बहुत सारे बैक्टीरिया है, हर बैक्टीरिया बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है, राइट. उसमें से जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने खोजा था, दैट वाज HIND2, एंड इसको हमने कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था, Haemophilus influenza. इट वाज फाउंड दैट HIND2 DNA को कट करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स. ठीक है, HIND2 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो 6 बेस पेयर्स का बना है. ठीक, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HIND2. आज के दिन हमने अलग अलग बैक्टीरिया से मिलाकर कम से कम 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर लिए हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. इसको आप याद कर लेना, आज के दिन वी हैव आइसोलेटेड 230 बैक्टीरिया से अप्रोक्सीमेटली 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. अगर इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने खोज लिए, यू नो 900, नाउ हाउ टू नेम देम, नॉमेनक्लेचर कैसे करें,
देखो अगर नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे मुझे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। मैं ऐसे बताएंगे कि 1995 में लंदन में स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला मुझे उसकी जानकारी चाहिए। इमेजिन कितना लंबा हो गया कॉन्वर्सेशन। उससे अच्छा क्या है उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक नाम दे देते एक्स, तो मैं सीधे क्या बोलूंगी मुझे एक्स चाहिए। तो जब हमने 900 ऑलरेडी आइसोलेट कर लिए और कितने और करने वाले हैं तो नॉमन क्लेचर सोच समझ के करना है ताकि न केवल द एग्जिस्टिंग वंस दे कैन बी गिवन अ नेम बट आल्सो एवरी न्यू वन दैट इज डिस्कवर्ड इट कैन आल्सो बी गिवन अ नेम वेरी इजीली। तो ये 3 मार्क का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड योर स्कूल एग्जाम। ठीक, वॉट इज द रूल ऑफ नेमिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक, तो आएगा नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कुछ नियम होते हैं। सो व्हाट आर द रूल्स। सबसे पहला, द फर्स्ट लेटर ऑफ द एंजाइम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द नेक्स्ट टू कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल जिससे उसको आइसोलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरा बैक्टीरिया है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई। एस पूरा में नाम लिख दो, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो हमारा साइंटिफिक नेम है सेपरेटली अंडरलाइन कर दूं, इससे हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला। ठीक है, तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमें नाम देना है। तो फर्स्ट लेटर विल बी फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस। एस्चेरिचिया का फर्स्ट लेटर क्या है, ई, दैट विल बी इन कैपिटल एंड द नेक्स्ट टू विल बी फ्रॉम द स्पीशीज का नेक्स्ट टू लेटर, सो इट इज इको। ठीक, द फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस and the next two letter come from the name of the species of the prokaryotic यानी कि bacterial cell from when they are isolated। अब आपको पता होगा कि E. coli bacteria के बहुत सारे strains पाए जाते हैं। There's a lot of variety of E. coli bacteria, right? हमने ये जिससे निकाला है उसका पूरा नाम है Escherichia coli। ठीक है, इसका R Y इसका नाम है it has been discovered RY13 स्ट्रेन से हमने इसको निकाला है। सो दिस इज ई कोलाई, जैसा मैंने आपको कहा एस्चेरिचिया कोलाई, एंड ये जिस स्ट्रेन से हम निकाल रहे हैं उसका है स्ट्रेन है RY13। सो द नेक्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द प्रोकैरियोट। सो यहां पर स्ट्रेन क्या है बेटा आपका RY13, तो RY13 का फर्स्ट लेटर क्या है आर, सो दिस विल बी आर। ठीक, सो नेक्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द स्ट्रेन एंड द नेक्स्ट लेटर इसका नाम है, पूरा नाम है इको R1 और ये आई नहीं है, इट इज वन, दिस इज रोमन लेटर वन, इको R1। सो द नेक्स्ट लेटर कम्स द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वॉज आइसोलेटेड। मतलब अगर ये पहला एंजाइम आइसोलेट करें तो हम वन लिखेंगे, अगर ये इको R1 एस्चेरिचिया कोलाई RY13 का सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता तो हम इसको बोलते हैं इको R2। कितना सिंपल ना, कितनी चीजें कॉमन हो गई, फर्स्ट इज द जीनस, सेकेंड टू इज द स्पीशीज, थर्ड इज द स्ट्रेन, इको आर, ये तो सब में कॉमन होगा इसमें। अगर ये फर्स्ट आइसोलेटेड इट विल बी इको R1, सेकेंड है तो इट विल बी इको R2, थर्ड है तो इट विल बी कॉल्ड इको R3, लाइक दिस। ठीक, तो यहां पर देख, मैंने यहां पर पूरा आपको एग्जाम्पल से समझाया, सो यू कैन सी इट हियर, द बैक्टीरियल इको R1 इज फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम एस्चेरिचिया कोलाई RY13। ठीक, तो यहां पर ई इज द जीनस, को इज द स्पीशीज, आर इज फ्रॉम द स्ट्रेन RY13, इससे आर लिया है, एंड रोमन लेटर 1 इज द ऑर्डर इन विच इट वॉज डिस्कवर्ड। सिमिलरली HIND2 हमने लिया था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, BAM-H1 हमने लिया था बैसिलस अमाइलो अमाइलोफेशियस, SAL-1 एंड PST मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, वो ये है कि मैम आपने कहा यहां रोमन लेटर एक्चुअली डिपिक्स द ऑर्डर इन विच इट हैज बीन आइसोलेटेड, इफ इट्स द फर्स्ट आई विल राइट फर्स्ट, इफ इट इज द सेकंड आई विल राइट सेकंड। आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम HIND2 कैसे हो सकता है, अगर फर्स्ट है तो HIND1 होना चाहिए था, राइट, क्योंकि यहां द रोमन लेटर शोज द ऑर्डर इन विच इट हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट हुआ था उसका नाम HIND2 कैसे। ठीक, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, इसका एक जवाब भी है। ठीक, ये जवाब मैं आपको इस वीडियो में नहीं दूंगी बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर ऊपर आई कार्ड में आपको जो आई कार्ड दिख रहा है उसमें एक लिंक है जिसमें मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है कि व्हाई डू वी कॉल इट एज HIND2
when this is the first, that you know, restriction enzyme isolated. So you can check out on that video. ठीक, तो फिलहाल तो हमारा ये हो गया. सो वी नाउ नो अबाउट मिथाइलेज, वी नो अबाउट द सीक्वेंस, वी नो हाउ टू नेम देम, क्योंकि 900 टाइप हो गए. सो नाउ लेट अस कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर अ ग्रुप ऑफ एंजाइम विच आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस. मैंने आपको पहले ही बताया था, एंड हम पहले आपको न्यूक्लियस के बारे में बता रहे. न्यूक्लियस एंजाइम दो तरह का होता है. वन इज कॉल्ड एज एक्सो न्यूक्लियस and the other is called as endonucleus. Now what is exonucleus? Those enzyme जो cut करता है nucleic acid को from the corner, says यहाँ पर है G A C C T C C G C. कुछ restriction enzyme ऐसे हैं जो nucleotides को किनारे से काटना start करते हैं. They will cut from the end like this. Those you know nucleus enzyme, nucleus मतलब those enzyme which cut nucleic acid, which cut the DNA from the end. These are called as exonucleus, right? ये जब भी काटेगा तो क्या किनारे से काटेगा. They cleave the DNA or the RNA molecule from the end. ये हमारे काम का नहीं है biotechnology. The second type is called as endonucleus. They cut DNA from inside. आपको पता है हमने भी जो काटा था ये हमारा लंबा DNA था जिसके बीच में कहीं था G A A T T C और यहाँ है आपका G you know C G A A TTC और हमने किनारे से नहीं काटा था, हमने बीच से कहीं से काटा था. और वो भी आपको पता है यू नो व्हेन आई मेक इट फास्ट आई मेक इट वेरी अगली बट लेट मी डू इट लिटिल यू नो ठीक जस्टिस कर दूं. जी ए ए टी टी सी ये जब भी काटते हैं किनारे से नहीं काटते हैं, कहीं सेंटर में काटते हैं. और हम एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं जो डीएनए को बीच से काटते हैं ना कि किनारे से. और उसमें भी हम उस एंडोन्यूक्लियस को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा है, पैलिंड्रोमिक है, ताकि दोनों डीएनए कट सके एंड स्टिकी एंड बन सके. एंड बाय द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी हम यू नो वेक्टर डीएनए एंड यू नो द जो डीएनए उसमें सवार होने वाला है जिसको हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली वेक्टर जिसमें आप ऐड करने वाले एंड जिस वैक्ट को डालने वाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसर्शन डीएनए जिसको हमको इंसर्ट करना है, वो दोनों आपस में जोड़ सके. ठीक है, उसको पैसेंजर डीएनए बोलते हैं. सॉरी, जिसको वेक्टर में डालना है तो पैसेंजर है ना, चढ़ेगा उस पर, तो उसको हम लोग पैसेंजर डीएनए बोलते हैं. हो गया. सो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पढ़ते हैं. ईच हमको कौन सा का जरूरत है, एंडोन्यूक्लियस की. अब बाकी की कहानी हम आपको पढ़ा चुके हैं. ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्कैन्स द डीएनए सीक्वेंस. When it finds its recognition sequence, जब अपने recognition sequence को पहचानेगा, it will stick to it. देखो ये सिर्फ चिपकेगा, ठीक? And it will cut each of the two helix. इसको भी काटेगा यहाँ से और इसको भी काटेगा, ठीक? Through the कैसे काटेगा? By cutting the sugar phosphate backbone. ये भी one mark का question आता है. Sugar phosphate backbone मतलब बेटा अगर ये आपका एक DNA का sequence है, तो किसका बना हुआ है? Nucleotide का बना है ना, जिसमें यहाँ base है. एंड यहां पर क्या है आपका, दिस इज योर फॉस्फेट जिससे ये जुड़े हुए. अगर आपको दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में काटना है, से दिस इज जी एंड दिस इज ए, अगर आपको ये जी और ए के बीच में काटना है तो आप किसको काटेंगे, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटेंगे. तो वही कह रहा है बाय थ्रू देयर शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, ये शुगर जो दोनों शुगर फॉस्फेट से जुड़े हैं इसको काटेंगे तो जी और ए आपका सेपरेट हो जाएगा. The recognition sequence for each restriction endonucleus is palindromic. हम normally palindromic लेते हैं. Palindromic में होता क्या है, both of them will possess the same base pair but in opposite direction. इसमें जो base pair है वही इसमें होगा in opposite direction. ऐसा होने का advantage क्या है, so the restriction endonucleus will attach between two base pairs on the opposite strand. It will cause a break. Because of it, restriction endonucleus are also called as molecular scissors. क्योंकि वो बीच में काट देता है sugar phosphate bond को, तो इसको हम लोग restriction, sorry, molecular scissors भी कहते हैं. ये restriction जो endonucleus जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये दो तरह के ends बनाते हैं. One is called as sticky end and the other is called as blunt end. Sticky end मैंने आपको पढ़ा दिया है, जी ए ए टी टी सी में जो end बनता है that's sticky end. Sticky end का मतलब क्या होता है, एक यहाँ और दूसरे में है ना, ये सम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स दे विल एक्चुअली स्टिक अप. सो ऐसे तिरछा काटता है, सो वी कॉल देम एज स्टिकी एंड. ब्लंट एंड का मतलब क्या है, अब यहां पर आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपको दिखा रही हूं. सी देयर इज दिस इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम,
से मैंने उसको नाम दे दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वन सपोज, ठीक है। और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक। ये एंडो न्यूक्लियस है तो इसका रेस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियर रिकॉग्निशन सीक्वेंस बीच में होगा। सपोज इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ए ए टी टी, पैलिंड्रोमिक है तो ऑब्वियसली यहां पर भी क्या होगा, इट विल बी ए ए एंड टी टी। एंड इसके काटने का जगह मैंने कहा था ना फिक्स जगह पे काटता है, सेम हमेशा ए एंड टी के बीच में काटता है। तो जब ये काटेगा तो इसके एंड स्टिकी नहीं बनेंगे, इसके एंड कैसे बनेंगे, ब्लंट बनेंगे। ब्लंट मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट। मैं आपको कहा बना से आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू ओवर हियर, यही पे मैं बना देती हूँ। तो ब्लंट एंड कैसा बनेगा देखो, यहां होगा ए ए, इसके साथ यहां क्या आएगा टी टी, ये बन गया दो। और दूसरा वाला आपका कैसा बनेगा, दिस विल बी टी टी एंड दिस इज गोइंग टू बी ए ए। यहां क्या कोई न्यूक्लियोटाइड स्टिक कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका एंड कैसा है, ब्लंट एंड है, तो ये भी पैलिंड्रोमिक है। हम जो लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडो न्यूक्लियस वो पैलिंड्रोम पहचानते हैं, ये पैलिंड्रोम है राइट। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, पैलिंड्रोम में बीच में काट देते हैं। बीच में काटने से जो एंड्स बनता है वो कैसा बनता है, ब्लड बनता है। बट अगर यही इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहां होता बेटा, यहां होता, यहां काटते हो रिकॉग्निशन सीक्वेंस में, तो आपका ये कैसा बनता, ऑब्वियसली ये स्टिकी बनता। एक पे बनता ए और दूसरे में क्या बनता, दिस वुड हैव बीन ए और दूसरे में होता टी टी ए। और इस वाले में क्या होता, अगर ये यहां काटता सो इट वुड हैव बीन ए इसका एंड यहां होता टी टी ए, सो यहां पर स्टिकी एंड्स बनता। तो अगर ये सेंटर में काटेगा तो एंड बनेगा ब्लंट, और अवे फ्रॉम द सेंटर काटेगा तो ये कैसा बनेगा, स्टिकी एंड्स बनेगा। यही हम आपको दिखा रहे हैं। तो दे कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ एंड, यू कैन सी हियर हिंद थ्री कहां काटता है, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ए ए जी सी टी टी, ठीक। दीज आर पैलिंड्रोमिक, कट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, तो मेरे एंड्स कैसे बनते हैं, स्टिकी। देखो इसका स्टिक आउट कर रहा है, इसका स्टिक आउट कर रहा है। सिमिलरली इको आर वन का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, ठीक। इफ आई शो यू थोड़ा एनलार्ज करके, सो इफ आई शो यू लाइक दिस, इको आर वन का भी अगर देखोगे तो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा है, इट इज पैलिंड्रोमिक, ठीक। सॉरी इसका काटने का जगह अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो सिंस ये काटने का जगह अवे फ्रॉम द सेंटर है तो एंड कैसा बन रहा है, स्टिकी बन रहा है। नाउ लुक एट दिस, देयर इज अनदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके इसको थोड़ा छोटा बना दूं, देयर इज अनदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये वाले को देखो आप, या ये दोनों, ये भी पैलिंड्रोमिक है, ए जी सी टी, ए जी सी टी राइट। लेकिन ये काटता क्या है, सेंटर में काटता है, एज अ रिजल्ट यहां एंड्स कैसा बन रहा है, ये आपका ब्लंट एंड्स बन रहा है। सो दोनों तरह के एंड्स आपके बन सकते हैं, ठीक। अब इसी को थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं। सो फर्स्ट इज अबाउट द स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड में वन ग्रुप ऑफ एंडो न्यूक्लियस राइट, व्हेन दे कट दे प्रोड्यूस शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स, ठीक है, व्हिच कैन जॉइन टू द, ये जो शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स बनते हैं इसके, ये इधर और इधर के, दिस कैन जॉइन विद अदर डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एक का आपने काटा, इसका और इसका स्टिकी है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दो अलग डीएनए यहां पर अटैच हो जाएगा। सच एंड्स आर कॉल्ड स्टैगर्ड एंड और स्टिकी एंड। इको आर वन जो हम इतने देर से आपको पढ़ा रहे हैं वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जी ए ए टी टी सी है, उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है, इको आर वन, और ये कैसा एंड प्रोड्यूस करता है, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, इज दैट क्लियर, ठीक। सो आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट द स्टिकी एंड। स्टिकी एंड से एक यहाँ का एडवांटेज क्या है, एनसीईआरटी का देख लो, ये इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो आप बता दें हाउ आर दे फॉर्म्ड एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज, ठीक। सो दीज आर द स्टैगर्ड एंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर फॉर्म्ड you know by cutting of restriction enzyme, how are they formed, they are formed by such restriction enzyme whose recognition sequence is palindromic and the cutting site is little away from the center. What is its advantage, if the same enzyme cuts two different DNA, dekho ek DNA ko white se dikhaya hai, ek ko black se dikhaya hai, to obviously iska sticky end and iska sticky end complementary hoga, to do alag source ke DNA ko combine karke rDNA banana aapka possible hai, right, this made it possible, so this is the advantage. I'll show you few more diagrams. मैं चाहती हूँ आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है। दिस इज मैंने बड़ा करके दिखाया है और यहाँ आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये मेरा वेक्टर है, ठीक। इसका देखो ये स्टैगर्ड एंड बना टी ए
TTAA. आपने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से सपोज फॉरेन डीएनए जिसको हम पैसेंजर डीएनए सपोज इस केस में इंसुलिन है उसको आपने काटा तो ऑब्वियसली इसका स्टिकी एंड इसका स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये आराम से इसके साथ अटैच कर जाएगा एंड लाइगेज एंजाइम की मदद से आप आरडीएनए आराम से बना पाएंगे. राइट, यू कैन जस्ट वॉच हियर, आई हैव कट इट, दिस इज माय स्टिकी एंड्स, बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री. सो लेट मी गो देयर. So, question मैंने बताया था, let us discuss it. What are sticky ends? Why are they so named? What is its significance? Restriction enzyme cut DNA a little away from the center of the palindrome, but between the same two bases on the opposite DNA. ठीक, away from the center, लेकिन दोनों DNA पे same ही point पे काटता है. This leaves single stranded. देखो कुछ single stranded part. ठीक है, ये this overhanging portions are called as sticky ends. ठीक. Why are they so called? एक first question का हो गया, first answer. They are so called because they form hydrogen bond with their complementary counterparts. ठीक, this and they both can be joined with the help of enzyme ligase. ठीक है, आपको यहाँ ये लिखना पड़ेगा. They are so called not because they stick out, just because since they stick out, they can form hydrogen bond with the their complementary counterpart. ठीक है, and they can be joined with the help of the enzyme DNA ligase. हो गया. सो दिस इज द क्वेश्चन. द सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड एज द सेकेंड टाइप ऑफ एंड इज कॉल्ड एज ब्लंट एंड. द सेकेंड ग्रुप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, दिस ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बट इट कट्स एट द सेम प्लेस ऑन बोथ द डीएनए. ठीक है, सो दैट देर इज नो ओवर हैंगिंग पीसेस विदाउट सिंगल स्टैंडर्ड. सो दे आर दीज एंड इज कॉल्ड एज ब्लंट एंड. जैसे मैंने आपको बताया SMA1 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है SCA1. ठीक, ये सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं. आपके एनसीईआरटी में ब्लंट एंड का कोई जिक्र नहीं है बट बैक क्वेश्चन में है कि नेम सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच प्रोड्यूस ब्लंट एंड. तो एक आपका नाम आप याद कर लेना. अगर ब्लंट एंड प्रोड्यूस हुआ तो आप जोड़ेंगे कैसे उसको होस्ट के साथ? ठीक, आप कैसे जोड़ेंगे? एक नॉर्मली दो तरीका होता है. से अगर दिस इज माई डीएनए जो ऐसे कट गया है, इट इज AA TT एंड दिस इज AA TT और ये मेरा वेक्टर है. राइट, ये भी ऐसे कटा है. यहां पर क्या है? AA TT. यहां क्या है? AA TT. ऐसे सेम दोनों कट गए. अब इसको यहां जोड़े कैसे? इनका कोई स्टिकी एंड है नहीं तो या तो हम आर्टिफिशियल स्टिकी एंड यहां बना देते हैं. हम यहां ऐड करेंगे AAA. ठीक, और इसमें हम ऐड करेंगे यहां पर तीन ऐड कर देंगे TTT. तो इसका स्टिकी एंड इससे जुड़ जाएगा. तो या तो हम स्टिकी एंड क्रिएट करते हैं, इसमें एक क्रिएट कर दिया, इसमें एक क्रिएट कर दिया ताकि आपस में जुड़ जाए, या हम इनको ब्लंट एंड्स को ही बगल में रखकर और लाइगेज एंजाइम से जोड़ देते हैं. ये हमारा टीटी था यहां पर, दिस वॉज योर टी, इसका टीटी, अच्छा सॉरी, दिस इज AA TT. सो दिस शुड हैव बी TTAA. तो या तो हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को ऐसे ही लगाएंगे और यहां लाइगेज एंजाइम डाल देंगे, पर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दोनों में स्टिकी एंड्स क्रिएट कर देते हैं. वी विल क्रिएट स्टिकी एंड सच दैट इफ दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस वॉज हियर वॉट AA TT. आई एम गोइंग टू क्रिएट स्टिकी एंड ओवर हियर वॉट, आई एम गोइंग टू क्रिएट मोर टीटी एंड यहां पर हम करेंगे AA. सो दिस AA विल मैच हियर और ये आपका आराम से जुड़ जाएगा. ये सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, ब्लंट एंड एकदम नहीं आएगा, सिलेबस पे भी नहीं है, आपको इंटरेस्ट के लिए पढ़ा दिया. हाँ, ब्लंट एंड बनता है ये आपको जानना चाहिए. एक आध रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम जान लो जो ब्लंट एंड क्रिएट करते हैं. थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए पर इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है. फ्रेगमेंट्स विद ब्लंट एंड मे बी यूज एज सच, या तो उसको एज इट इज यहां, या उस पर लिंकर्स एड कर दो, दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री लिंकर्स. ठीक, यू क्रिएट स्टिकी एंड्स सो दैट लेटर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज द टू दे कैन बी एक्चुअली जॉइंड विद ईच अदर. राइट, सो यहां पर मैंने आपको जैसे एक टेबल दिया है, यहां पर देयर इज अ सेट ऑफ एंजाइम्स, आई हैव जस्ट नेम्ड सम सेट ऑफ एंजाइम्स एंड आई एम जस्ट शोइंग व्हिच वन एक्चुअली प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड एंड व्हिच वन एक्चुअली प्रोड्यूसेस ब्लंट. राइट, सो विद दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कंप्लीटली ओवर. चलिए एक बार क्विकली हम एक बार एनसीईआरटी में देख लें, व्हाट इज देयर इन योर एनसीईआरटी बिफोर वी मेक अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी टॉट टुडे एंड देन इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी गो फॉर द नेक्स्ट टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो प्लीज ओपन पेज 195 ऑफ योर एनसीईआरटी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी.
फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. 1963 में दो एंजाइम एक्चुअली इकोलाई बैक्टीरिया से खोजा गया था. वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप, इसका नाम मिथाइलेज ही आपके बुक में लिखा नहीं है, जस्ट रिटन कि बैक्टीरिया दो एंजाइम हमने खोजा था. वन वॉज मिथाइलेज विच एडेड मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइलेज नाम नहीं लिखा है. एंड द अदर यूज टू कट डीएनए, जो अदर वाला है उसका नाम हमने रखा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मार्क का. नेम द टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स दैट वर डिस्कवर्ड इन 1963 विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. वन ऑफ द एंजाइम का नाम नहीं लिखा है, जस्ट सेड दैट एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप एंड द अदर वुड कट डीएनए, सो वी कॉल इट एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. डी से काटता है इसलिए एंडोन्यूक्लियस. उसके बाद यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में मैंने जितनी कहानी सुनाई आधी चीजें है नहीं, ठीक. पहला जो एंडोन्यूक्लियस था हिंद टू था, ठीक. ये करता है इसका इसका रिकग्निशन सीक्वेंस 6 बेस पेयर का बना हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज रिकग. बिसाइड हिम टू आज के दिन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने 230 स्ट्रेन से खोज लिए. नाउ दिस पैराग्राफ डील्स विद द मेथड ऑफ नेमिंग देम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क का क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ यू सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, इट इज एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट दिया है एंड पैलिंड्रोम का सिग्निफिकेंस दिया है. अगर पैलिंड्रोमिक है तो दो, दिस इज द फॉरेन डीएनए, दिस इज द वेक्टर डीएनए. फॉरेन डीएनए जिसको पैसेंजर डीएनए भी बोलते हैं, सेम अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से आप रिकॉम्बिनेंट बना सकते हो. दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. द स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको आर्बर, ठीक है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ अब आपको जो पैलिंड्रोम समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल दिया मलयालम का, फिर आपको एक पैलिंड्रोम का एग्जांपल दिया है GAATTC, फिर बोलता है यू नो व्हाट आर स्टिकी एंड्स एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, ये आपका लिखा है, ठीक. दस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये डीएनए को काटकर एंड देन अगर स्टिकी एंड्स है तो उन दोनों को जोड़कर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, फिर उसको हम होस्ट में डालते हैं, वो मल्टीप्लाई करता है तो हमारा जीन भी मल्टीप्लाई करता है. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिकॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर टेक्नोलॉजी. से पहले वाला डायग्राम वॉज हाउ टू जस्ट कट द डीएनए, आर डीएनए, बस ये आर डीएनए बना कैसे बनाया जाता है, दिस आर डीएनए, ये उसका डायग्राम था, दोनों कंफ्यूज मत करना. इससे आप आर डीएनए कैसे बनाएंगे एंड इसमें आपका सारा स्टेप्स दिया हुआ है, ठीक है. सो विद दैट वी नो एवरीथिंग अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो हमें जानना चाहिए एट क्लास 12 लेवल फॉर बोर्ड एग्जाम एंड मेडिकल. वेरी क्विक रिकैप, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फर्स्ट दे आर न्यूक्लियस एंजाइम, सेकेंड एंडोन्यूक्लियस इज समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू, एक और होता है एक्सोन्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन इसलिए बोलते हैं, इट रेस्ट्रिक्स द ग्रोथ ऑफ एनी फॉरेन डीएनए इन द सेल ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज मेड बाय बैक्टीरिया. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बन गए लेकिन साथ में बैक्टीरिया ने अपने डिफेंस के लिए मिथाइलेज एंजाइम भी बनाया था. फर्स्ट वॉज हिंट टू, आज के दिन यू नो 900 फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया हम ऑलरेडी उसको बना चुके हैं, ठीक. ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कैसे काम करते हैं, वो डीएनए को स्कैन करते हैं, हर का स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस है, रिकग्नाइज करने के बाद फिक्स टू न्यूक्लियोटाइड के बीच में काटते हैं. ये दो तरह के कट बना सकते हैं, स्टिकी एंड या ब्लंट एंड. हम नॉर्मली उनको प्रेफर करते हैं जो स्टिकी एंड बनाए, क्योंकि स्टिकी एंड होने की वजह से उसको लाइगेज की मदद से वेक्टर में जोड़ना काफी आसान हो जाता है. इसके एक नॉमेनक्लेचर का तरीका है, दैट इज दैट आल्सो हैव एक्सप्लेन. व्हाट आर पैलिंड्रोम्स, आई हैव एक्सप्लेन. व्हाट आर स्टिकी एंड्स एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. सो विद दैट फर्स्ट टूल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओवर. इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड यू नो टूल दैट इज द क्लोनिंग वेक्टर. टिल देन यू जस्ट रिवाइज दिस पोर्शन एंड if you like this, if this video actually helped you, press the like button. If it really helped you, put your comments, share it with your friends and do like and subscribe and press the bell notification, which we always say we request. And if you thought this really helped you out, do these things and we'll meet in the next lecture. Till then, good luck and good.